27 और 28 पे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। सभापति महोदय, जिस प्रकार से मांग पे सभी वक्ताओं ने जोर शोर से बड़ाई की, सच्चाई करने वालों को वास्तव में वाहवाही करनी चाहिए, वे मानते हैं, लेकिन आपकी सरकार के अंदर हेल्थ के अंदर आपने कौन सी ऐसी पीएससी और सीएससी खोली? मैं मेरे विधानसभा की बात करता हूँ, 3 सीएससी पहले से थी, कई बार उन्होंने कहा कि हम सीएससी खोलेंगे, आप हमारे लेटर भेजो, एक भी सीएससी नहीं खोली। हमारे पूर्व सरकार को तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि 3-3 पीएससी और उप स्वास्थ्य केंद्र तो खोले थे, लेकिन आपने एक भी उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोला। पीएससी की तो अलग बात है, लेकिन वाह वाह करते हैं, अच्छा काम करो तो धन्यवाद तो कम से कम दो, किस बात का धन्यवाद? आपने जिस प्रकार से कोरोना के अंदर जो कोरोना महामारी चलती थी, आपने भामाशाह स्कीम को बंद किया, क्या आपको किसी ने मना कर रखा था कि 2 साल को मतलब ये भामाशाह योजना बंद करें? अगर लागू करते तो उसी समय कर देते, भागे फिरते और प्राइवेट हॉस्पिटलों ने लूटने का काम किया, मैं ये आपको किसी ने रोका नहीं था। उस समय में आदिवासी क्षेत्र से मैं एमएलए बन करके विधानसभा में मुझे भेजते हैं, लेकिन कोरोना महामारी में अगर भामाशाह चालू होती तो ये दशा नहीं बनती। आपको चुनाव को देखते हुए सिरिंजीवी से क्या मतलब है? क्या आपने सिरिंजीवी लागू धरातल पे है? क्या आपके मान्य सदस्य कई हॉस्पिटलों में धरना देते हैं कि सिरिंजीवी सही ढंग से चालू नहीं थी? इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और मैं ये भी सभापति महोदय आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूँगा, जिस प्रकार एक मान्य सदस्य है जो प्रताप भाई भील गोगुंदा के विधानसभा सदस्य है, वो 25 तारीख को जब अकस्मात 8 बजे तबीयत बिगड़ी, जब वो हॉस्पिटल के अंदर गए तो उनको एक पर्ची दी और एक भी दवाई अवेलेबल नहीं थी, तो क्या ये सिरिंजीवी है? ये आम एक विधानसभा का सदस्य है। और अखबारों में छाया था 26 तारीख को, सबको ध्यान होगा, और आप कहते हैं कि हम मुफ्त दवाई देते हैं। क्या मुफ्त दवाई देते हो? एक भी मेडिसिन आपके पास में सब अवेलेबल है क्या? एक भी कई मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती है। और जिस हॉस्पिटल के अंदर जब डॉक्टर आप लोगों ने एक भी लगाए क्या? हमारे माननीय प्रभारी मंत्री चौधरी साहब जिले के सिरोही के प्रभारी है, कई मीटिंगों के अंदर मैंने ये आवाज़ को उठाया है कि हमने जब पीएससी जब चालू इतनी सारी बनाई है, हमारे पिंडवाड़ा स्वरूपगंज भूला रोईडा एक भी नितोड़ा जितनी भी बनी है ऐसी की ऐसी पड़ी है, वहाँ मतलब आपने कोई किसी प्रकार का डॉक्टर नहीं लगाया, ANM खाली है, क्या आपने व्यवस्था की? इससे शर्म की क्या बात हो सकती है? जैसे हमने MLA फंड से सोनोग्राफी जेनरेटर सारे MLA फंड से लगाते हैं, जैसे सिरोही जिला मुख्यालय पर देख लो, मुख्यालय पे होकर के एक भी कहीं मतलब किसी ने बड़ा काम किया? सिर्फ और सिर्फ राजस्थान प्रदेश की इज्जत को ऐसे मिट्टी में मिला दिए, सारे के सारे गुजरात में जाते हैं जो लोग वहाँ इलाज करते हैं। क्या राजस्थान प्रदेश में ऐसा कहीं अस्पताल की व्यवस्था नहीं कर पाए? एक भी सीएससी पर अगर किसी मामूली से भी ऑपरेशन किया हो तो बता देगा, पर आपके CMSO साहब को कहकर कि एक भी विधानसभा बाबू पिंडवाड़ा के अंदर एक भी अगर कहीं ऑपरेशन हुआ हो 4 साल के अंदर, इस प्रकार की व्यवस्था बना करके रखी है। और जिस प्रकार आप कहते हैं, और एक पूर्व में एक घटना हुई थी, ऐसे आपकी क्या मेडिसिन चलेंगे जब पूर्व भाजपा सरकार द्वारा एक पंकज डॉक्टर पंकज शर्मा जो 2018 मुख्य आरोपी मानकर CID CB ने धारा 420 468 468 467 और 471 120 के तहत मानसरोवर थाने में FIR दर्ज है, और उसको सरकार बदलते ही उसकी जमानत हुई और मुख्य उसको क्या दिया, मुख्य डीन के पद पर आप द्वारा नियुक्त किया गया, और वर्तमान में वो विश्वविद्यालय को संचालित कर रहा है जबकि उसका लाइसेंस भी निरस्त है। क्या आप व्यवस्था कर पाओगे? मैं सीधा आपके ऊपर आरोप लगाता हूं कि जिस प्रकार राजस्थान सरकार में जो पूर्व सरकार की भांति आप लोगों ने कौन सा ऐसा काम किया है? सिरिंजीवी कहाँ व्यवस्था हुई है? आपने चुनावों को देखते हुए, और जनता सब समझती है, भले जोर शोर से वाह वाह करो,
बाकी है क्या आपके पास में? कुछ भी सामान नहीं है और आपको सबको पता है कि अपने को इस साइड में बैठना है, 2023 का इंतजार करना है, बाकी कहीं कोई नहीं है, कोई मामला नहीं है। और ये मतलब आप जिस प्रकार से वाहवाही लेते हो, आपको पता है कि वाहवाही करना है, और फिर मांग का इस बात के करते हो? मांग क्यों करते हो? आपके सारे काम तो हो जाते हैं। हम भी सरकार में रहे हैं लेकिन हमने कभी मांग की नहीं, बिना मांग से सारा काम होता था। मैं धन्यवाद देता हूँ पूर्व हमारे मंत्रियों को, सरकार को, बाकी मैं तो यही आलोचना करता हूँ और वास्तविकता कहता हूँ। और किस बात का धन्यवाद? बहुत बहुत धन्यवाद सर।